रहे हैं Hind24TV। मंदसौर में सरपंच पर हुए हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सरपंच पुत्र गांव के ग्रामीणों एवं सरपंच संघ के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिगोरिया छोटा गांव कल्याणखेड़ी कला गांव के भूमाफियाओं ने रात में सरपंच भागीरथ सूर्यवंशी के ऊपर किया हमला, जिससे सरपंच भयभीत रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय सरपंच ने रात में चल रहे अवैध रूप से अवैध खनन कर रहे डंपर को रोककर उनसे पूछताछ की तो इस बात को लेकर भूमाफिया दबंग बंसीलाल पिता गिरधारीलाल, शांतिलाल पिता बंसीलाल गोपाल पिता बंसीलाल, मोहन भाई पिता बंसीलाल ने घर में घुसकर मारपीट की थी, जिससे सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में करीब 11 बजे की घटना बताई जा रही है। वहीं नारायणगढ़ थाने की कार्यवाही में असंतुष्ट होकर सरपंच पुत्र गांव के ग्रामीणों व सरपंच संघ के सदस्यों द्वारा आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर हमला करने वाले दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिए। आम आदमी के साथ क्या रहेगा? सरपंच तो एक गांव का मुखिया है, उसे मुखिया बनाया जाता है, गांव के लोग ही उसे मुखिया बनाते हैं, कोई वो जाके पंचायत की कुर्सी नहीं खींचता है। अगर सरपंच गांव की भूमि हो चाहे ना हो, गांव से लगी हुई भूमि का हक सरपंच का रहता है, वो पूछ सकता है सरपंच क्या आप ये मिट्टी कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। उसमें अगर पीछे से कोई वार करता है ये उसकी गलत हरकतें हैं। अगर कौन सा भी थाना हो अगर सुनवाई नहीं करता है तो ये तो गलत प्रशासन गलत कर रही है। अगर सरपंच किसके दावेदार पे रहता है कि सरपंच जनता के दावेदार पे रहता है, सरपंच तो एक ढोल है, जनता एक कामड़ी है, ढोल है। सरपंच अगर नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा उससे। इसलिए मैं ये निवेदन करती हूँ SP CSP साहब कलेक्टर साहब सबसे ये निवेदन करती हूँ कि इस कार्रवाई पे जल्द से जल्द जल्दी कार्रवाई की जाए और उन जो मुजरिम में जिसने पीछे से वार किया उन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए, या फिर इस मामले को ऊपर मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचाया जाए। आज जो ज्ञापन दिया है इसको लेकर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कार्रवाई होगी? इसको लेकर तो बहुत तेज कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर हम सब मुख्यमंत्री के पास जाना भी चाहते हैं तो चले भी जाएंगे। अगर हमें जाना पड़ेगा, अगर सरपंचों को जाना पड़ेगा तो हम सब सरपंच मिलकर जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि क्या है, या तो फिर चुनाव ही बंद कर देना चाहिए। अगर एक दूसरे की बात अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, गांव के मुखिया की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो शासन और प्रशासन और सरकार को कोई सरपंच बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बंद कर दे। ये राजनीति का काम सब बंद कर दे, क्योंकि अगर सरपंच के पीछे ऊपर से वार होता है तो ये गलत हरकत है। बस ये किस बात को लेकर आज आए इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग, हमारा एक साथी है छोटे के सरपंच, तो उनके साथ क्या खनिज विभाग खनिज के कुछ रेत माफियाओं ने इन लोगों ने क्या मारपीट करी, तो उस बात को लेकर हम इसके साथ के पास आए थे। वहाँ हमारा पिछले नारायणगढ़ थाना लगता है, तो नारायणगढ़ थाने में जो DI है उसने क्या नाम मात्र की टाइम करके इस मामले को मतलब उनसे साठ गांठ करके निपटाने की कोशिश करी है, जबकि वो मामला जो है शासकीय कार्य में बाधा का वह गैर जमानती मतलब कायमी धाराओं का होता है, लेकिन वहाँ क्या थानेदार ने पैसे की या कोई साठगांठ करके इस मामले को दबाने की कोशिश करी। तो उस मामले को लेकर हम SP साहब से मिले हैं। SP साहब से हमने कहा है कि साहब हम लोग हमारा जो सरपंच है वो इतना डरा हुआ है कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है वो चार दिन से, उसके घर परिवार पे लोग जाके वो जो खनिज माफिया है वो जाके डरा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो इस मामले को लेकर हमने SP साहब से आवेदन दिया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसमें धाराएं बढ़ाई। क्या आश्वासन मिला? SP साहब ने कहा है कि मैं जो है PI से बात करके इस मामले को दिखवाता हूँ, अगर दो तीन दिन में ये नहीं हुआ तो हम वापस जो है यहीं आकर SP साहब से इस बात की जानकारी मांगेंगे। अन्यथा सरपंच की ओर से हम दोबारा इस SP साहब से मिलेंगे।